changes देखना नहीं चाहूँगा. I would really like that old programming about telling a story in a certain way. And I'm hoping that the whole old school nostalgia नहीं होता जो बड़ा अच्छा सा लगता है तो उस तरह की स्टोरी टेलिंग वापस आएगी तो बहुत मज़ा आएगा. मैं तो बड़ा बहुत ही बायस्ड होने वाला हूँ लेकिन हो नहीं सकूँगा बिकॉज मुझे गुरदीप भी बहुत पसंद है. आई रियली लाइक गुरदीप एंड आई लाइक ईशानी और सुरभि. सो आई एम जस्ट गोइंग टू से दैट सारी लड़कियाँ औरतें बहुत अच्छी हैं इस शो पर तो मैं तो सबके लिए ऐसा चीयर अप कर रहा हूँ. नहीं नहीं वो बहुत काम में बिजी थी वो मिल भी नहीं पा रही अभी किसी से. एब्सोल्युटली नॉट. मेरी तरफ से ये बेस्ट विशेस होने वाले हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू ब्रेक अ न्यू फॉर्मेट अगेन. एंड हमारे ना इन इंडिया एज अ कंट्री वी लाइक टू फॉलो मीडियोक्रिटी. एक चीज़ चल जाती है उसी के बहुत सारे वर्जन आ जाते हैं. टू ब्रिंग बैक समथिंग एंड टेल अ स्टोरी डिफरेंटली. अब आप अगर उसका लुक देखोगे वो बहुत ही एक्सपेरिमेंटल लुक है और किसी भी हीरोइन को ना ऐसे एक्सपेरिमेंट लुक करने में बहुत डर लगता है. उसको लगता है कहीं शो नहीं चले कहीं ऑडियंस को पसंद ना आए. टू बी कन्विंस्ड एंड टू गेट पीपल टू फॉलो हर इज गोइंग टू बी समथिंग दैट वी आर ऑल गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ. ये देखिए ये भी आ गई बिग बॉस में वापस. दिस इज बिग बॉस कमिंग बैक अगेन. थैंक यू. करण कुंद्रा क्योंकि वो ज़्यादा टाइम रह नहीं पाएगा मार के वापस आ जाएगा किसी को. आ रहा हूँ मैं. यहाँ मेरा प्रोमो हिट हो जाएगा एक दो दिन में तो पता चल जाएगा आप लोगों को. वापस आ रहा हूँ. क्या पता क्या है मेरे फैंस को ऑलरेडी मालूम है. एम जी वी ए सो ऑफ स्पेस एंड वी आर बैक. देखो एस ऑफ स्पेस आया था दिसंबर में ख़त्म हुआ था. वो बोल रहे हैं मार्च में वापस ले आओ अप्रैल में मार्च. फिर एक साल का गैप लेते हैं लोग. लाइक आई हैड थॉट अबाउट थिंग. आई एम सो ग्लैड द शो वॉज लव्ड सो वेल दैट दे वॉन्टेड टू ब्रिंग द सीजन इमीजिएटली. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिड नॉट हैव द डेट्स एंड आई डिडंट रियली वॉन्ट टू इन्वेस्ट माई सेल्फ इन द शो बिकॉज यू नो इट्स एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट शो टू डू नॉट जस्ट फॉर द कंटेस्टेंट्स बट फॉर समवन हु इज लिविंग विद देम फॉर 18 आवर्स एवरी डे. एंड आई लव ईच एंड एवरी वन ऑफ द किड्स. इफ यू रियलाइज ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट वर्किंग विद मी एवरीवेयर. सो फॉर मी इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इट अ टाइम ओनली व्हेन आई कुड. And luckily they waited. They waited from 4 months now, and now they're bringing it back. So yes, I'm back on this space. Thank you. Fantastic hai. Season 2. Aur sab mere apne nirmata nirdeshak Siddhu, my brothers in the Mohnish Bahl, Gurdeep, to sare mere apne hain. Wish them all the very best. नहीं ये शो तो 12 अगस्त को रिलीज़ है. 14 साल हुए नहीं अभी इसको. आई एम सॉरी यू मीन सीजन 1 को. हाँ जी जी जी. देखिए डेली सोप हिट डेली सोप है और ऐसे विशेष रूप से तो कोई मेमोरी है नहीं. But it's the only medical show in our country which has been such a big hit. And I think the second season should be bigger, better. Ji. Sir, aapki web series Hostages ko bahut zyada pyar mila. Aapko awards se bhi nawaza gaya. Kya kehna chahenge kitna proud feel hota hai? Kaun se awards se nawaza gaya? Acha nominated hoon. Ji, gold awards. बहुत अच्छा लगता है जब आप कोई काम करते हैं और इतना प्यार मिलता है. तो गुरदीप जो मेरे साथ हॉस्टेजेस में थी वो संजीवनी में भी है. तो थैंक यू ऑल फॉर ऑल द लव फॉर हॉस्टेजेस. जी नहीं मैं समय की कमी की वजह से देख नहीं पाता टीवी. बट एकता जी का शो है और नॉर्मली वो जो करती हैं जब भी कुछ करती हैं जो भी करती हैं वो सक्सेस ही होता है. तो जहाँ तक मुझे सुनने में आया है इट्स डूइंग द शो इज़ डूइंग वेरी वेल एंड आई एम श्योर करण सिंह विल डू फाइन जॉब प्लेइंग बजाज. सॉरी
Like I said, I haven't watched him. I haven't watched the show. But Karan Singh is a very fine actor. And I'm sure he'll do the part very well. कहना ये चाहूँगा कि बहुत उम्मीदें हैं संजीवनी से और प्रोमो देख के लोगों का जो रिएक्शन हमें मिला है बहुत अच्छा लग रहा है. प्रोमो तो स्वीट है ही, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग सब 12 अगस्त को 7:30 बजे ये शो देखें, क्योंकि 10-12 साल बाद अगर किसी शो का इतना स्ट्रॉन्ग रिकॉल वैल्यू है तो और नर्वसनेस हो रही है कि हम लोगों ने अच्छा काम किया है कि नहीं. लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये शो अच्छा लगेगा. मेरे कैरेक्टर के बारे में मैं फ़िलहाल ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो पहले संजीवनी में नहीं था, इस किस्म का कैरेक्टर भी नहीं था. और इतना ही बताऊँगा कि वरदान इसका नाम है. आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर कॉल वरदान एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने आज तक ऐसे किरदार में मुझे नहीं देखा होगा. सो एंजॉय द शो. मोनीश जी का कैरेक्टर आइकॉनिक कैरेक्टर था और वो इस सीज़न में भी है. मोनीश जी को बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि मोनीश जी के साथ मैंने अपना करियर शुरू किया था. मेरी पहली फिल्म जज्बात, उसमें मोनीश साहब थे और मेरे बड़े भाई समान है और उनका कैरेक्टर आइकॉनिक रहा है और इस शो में भी, इस सीज़न में भी उनका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा कैरेक्टर उनके ऑपोजिट है, क्योंकि इट ऑलवेज टेक्स टू वेरी गुड परफॉर्मर्स और परफॉर्मेंसेज टू लाइट अप अ सीन. मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ संजीवनी के लिए. उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ, उनसे धैर्य रखना सीखा हूँ, उनसे ये सीखा हूँ कि किस तरह से सीन करते टाइम अपने आप में रहते हैं. मेरे ज़िंदगी का पहला शॉट उनके साथ था और मैं बहुत खुश हूँ कि आज वापस उनके साथ काम करने का मौका मिल गया. अपेक्षा ये है कि सेकंड सीज़न को उससे भी ज़्यादा प्यार मिले जो फर्स्ट सीज़न को मिला था, क्योंकि बहुत मेहनत की है इसमें और जो नए यंगस्टर्स हैं, जो सुरभि है, नमित है और अब इतने सारे जो एक्टर्स अब फ़िलहाल मिलेंगे आप उनके, उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि मुझे लगता है कि आई फील लाइक अ वेटरन. हालांकि ये मेरा कमबैक है टेलीविज़न पर. मुझे खुशी है कि संजीवनी 2 पर मुझे काम करने का मौका मिला है और कई साल से मैंने डेली सोप नहीं किया है, टेलीविज़न ही नहीं किया है. और जब मुझे शो का ऑफ़र आया तो मैंने बोला कि बॉस, दिस इज़ द टाइम टू रिक्रिएट हिस्ट्री विद द मेकर्स ऑफ संजीवनी. सो हियर आई एम एंड आई होप दैट यू गाइस एंजॉय द शो. सब कुछ यहाँ बता दूंगा तो आप लोग शो क्यों देखेंगे, चलते हैं. So I think we launched in 2000 the first Sanjeevani and it's coming back in 2019. बहुत excited है and सबसे amazing बात है कि amazing recall value है इस show का. जब से हमारा first look launch हुआ to the whistle challenge और आज हमारा promo launch हुआ है, so the amount of anticipation जो fans में है, जो already they are loving us, you know, and they are waiting for this show. So I was absolutely amazed कि you know एक hit show इतने सालों बाद आ रहा है, but लोगों के साथ जो connect है, which also adds a lot of pressure and responsibility because उतना ही आपसे expect किया जाता है. But I am really looking forward to this one. Okay, किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए और क्या compliments मिल रहे हैं किरदार के, मतलब जितना promo में Well, I'm playing a doctor. I'm playing Dr. Anjali. सबसे पहले तो मेरी माँ बहुत खुश थी because I come from a quintessential middle class Bengali family और वहाँ पे सब चाहते थे कि मैं एक डॉक्टर बनूँ. सो माई मदर वॉज लाइक, चलो बेटी रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में तो डॉक्टर बन गई. सो आई थिंक शी इज़ दी हैप्पीएस्ट. माई एसोसिएशन विद स्टार इज़ वेरी लॉन्ग. मेरे करियर में काफ़ी सारे शोज़ और इंपॉर्टेंट शोज स्टार के साथ रहा है. सो आई थिंक आई एम जस्ट टेकिंग दैट रिलेशनशिप अहेड. सिद्धार्थ मल्होत्रा, हु इज़ माई प्रोड्यूसर, सिद्धार्थ एंड सपना एल्केमी फिल्म्स, आई थिंक दे आर ब्रिलियंट. जिस तरीके से उन्होंने हमारे सारे टीम को एक साथ बांध के रखा है एंड द टीम इट्सेल्फ, हमारे डायरेक्टर अभिजीत दास, दी एक्टर्स, यू नो मोनीश जी, गुरदीप जो पहले सीजन से कंटिन्यू कर रहे हैं, एंड देन आई हैव जॉइंड इन दिस रोहे, दिस सुरभि, देर इज़ नमित, देर इज़ रश्मि, there's Jason, there's a whole lot of us, so it's a great fun loving and really hard working gang. And show ka jo genre hai, mujhe lagta hai logo mein itni anticipation aur itni chahat abhi isliye hai because kahin na kahin supernatural ka ek overdose ho gaya hai. So you know, a real life story which is like a slice of life. और हम लोगों ने मेकिंग में भी उतना ही ध्यान दिया है कि हम उसको एज क्लोज टू रियलिटी रख सके. आप जब प्रोमोज देखेंगे, हमारा जो लुक भी है वो टिपिकली टीवी में बहुत सारा मेकअप, लाउड ड्रेसिंग नहीं है, इट्स केप्ट एज नेचुरल एज वी कैन.
my role again, as I said, I'm playing Dr. Anjali, and zyada main nahi batana chahungi. I would want you all to watch the show. She plays a very important link, and I am loving it. You know, as an actor, I'm being challenged. जैसे कि मैंने कहा वो TV में जैसा हम देखते आए हैं in the making, in the performance, उससे हम हटके real करने की कोशिश करें. So for me, I think it's going to be a very memorable journey. Okay, on set real life doctors भी थे. जी. जी हाँ, एज आई सेड, आई मेकर्स सिद्धार्थ इज यू नो वो बहुत ख्याल रख रहे हैं इस बात का कि हम डॉक्टर्स पे आधारित एक शो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो टीवी है लाइसेंस लेके कर लेते हैं. देर आर अ लॉट ऑफ टेक्निकल टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं, मेडिकल टर्म्स, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए. यू नो, इवन बींग अ डॉक्टर, देर आर डिफरेंट बैकग्राउंड्स. लाइक आई हैव अ फील्ड ऑफ a certain doctor, there are others who are playing, there are few surgeons, there are gynecologists. So har kisi ki jo body language hai, the other terminology, kis tarah behave karna chahiye, OT mein ja rahe to hamare mein, we should not wear any jewelry, whether it's a earring. So sab body kya jo hai, and doctors, you know, it's like it's a headache. I did a scene with Mohnish ji jahan pe unko headache tha. So the doctor helped us, you know, ki jab is tarike ka headache hota hai, haath idhar nahi, idhar jana chahiye. So it really helps in the authenticity. Aur yahi sari cheeze hai which I think the audience will love, because we are trying to make it as close to real life as possible. Oh, mujhe bahut, you know, personally I've got a lot of compliments for my look, because obviously abhi tak episode dekha nahi hai, to performance ke liye abhi tak to kuch zyada bol nahi sakte. As I said, sabko lag raha it's a breather for the eye, because bahut loud makeup, clothes, kisi ka bhi nahi hai. Everybody is in soft colors, like how you would expect a doctor to be. Of course halka sa glamour hai, because we are also catering, hum tv mein aa rahe, but again the effort is to keep it as real. And mere liye I have a very sleek look. I'm wearing cotton sarees with a lot of in-cut blouses. I'm playing one of the head surgeons, so you know wo personality aani chahiye, and very sleek look. Generally agar aap tv mein dekhenge to most of the people go for long curls and lot of big hairdo. Again the emphasis is to look a doctor. So I have got a lot of compliments for my look, and I'm just hoping and praying people love my performance also. जी हाँ, एज आई सेड, इट्स अ मिक्स थिंग. यू नो, लोगों का प्यार और जो हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं वो देख के बहुत अच्छा लगता है, बट दैट ऑब्वियसली गिव्स यू एडेड प्रेशर, बिकॉज यू हैव गॉट टू एक्सेल. दी एक्सपेक्टेशन इज सो हाई, बट आई थिंक दैट इज़ द चैलेंज, एंड द टीम इज़ रियली रियली, यू नो, वी आर काइंड ऑफ लिविंग अप टू दैट, यू नो, दैट चैलेंज. इट इज़ मोटिवेटिंग अस टू डू वेल. एंड मोनीश जी एंड गुरदीप तो है ही फर्स्ट सीजन से, सो दे आर कीप ऑन, यू नो, दे कीप ऑन गिविंग अस टिप्स अबाउट पहले ये करते थे, वो करते थे. सो इट्स अ फाइन ब्लेंड ऑफ वॉट हैपन देन एंड in, you know, blending it with what's the reality today. So yeah, thank you. Sach to ye hai ki maine dekha nahi hai, but maine, of course, everybody knows about Sanjivani. It's such a big brand to be associated with, aur mere liye, aur itne khoobsurat recall value hai. Bachcha bachcha janta hai yaar, bade bade bhi jante hain. Mujhe messages aate hain ki aap Sanjivani kar rahi hain. So the idea of doing also Sanjivani was because Sanjivani bahut bada brand hai, and aise associate hona itne bade brand ke sath, I think ye this is my luck. Aapka favorite maine kaha na, maine dekha nahi hai, but of course everybody knows ke hamare sundar Dr. Juhi thi, very handsome looking Dr. Shashank the, Mohnish ji, everybody. And I heard that wo bahut lamba chala tha aur bahut acha chala tha. सो डॉक्टर ईशानी एक तो फर्स्ट ईयर रेसिडेंट है, और बहुत ही स्पिक एंड स्पैन जर्मोफोबिक है. उसको थोड़ी सी कोई हाथ वाथ लगा देता है तो ऐसी हो जाती है थोड़ी सी, यू नो, शी टेक्स दूर रहती है. कुछ बहुत ही राइटियस है अपने नेचर में, अपने अप्रोच में. गलत होते हुए देख नहीं सकती, अगर गलत होता देखेगी तो सीधे कंप्लेन कर देगी. और बहुत ही एक बैगेज लेके चल रही है अपने माँ बाप का, कुछ जो नाम यू नो ख़राब था, जिनके वजह से वो ये सही करने आई है संजीवनी हॉस्पिटल में, प्रूव करने आई है. और सबसे अच्छी खासियत है कि अगर मैं आज आपको देखूं और मुझे ऐसा लगे कि आप में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं फट से डिटेक्ट कर लेती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस ट्रेट अबाउट हर. काफ़ी, सबसे पहले तो हमने सीखा कि ग्लव्स कैसे पहनते हैं, और जब आपके पास इतनी सारी अंगूठियाँ हो तो ग्लव्स तो फट ही जाते हैं. बट उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया ग्लव्स, बीपी कैसे चेक करना. आइए मैं आपका चेक करूँ, मशीन होती तो मैं आपका चेक करती थी.
बीपी किसका चेक करना बता दीजिए, राकेश का, राकेश जी आपका बीपी चेक करते हैं, हमें स्टेथोस्कोप की हार्ट बीट कैसे सुनते हैं, कितनी बीट्स होती हैं, सिरिंज को कैसे खोलते हैं और कैसे लिक्विड डालते हैं, काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं यार। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब इतने इतने टर्म्स मैं सीख रही हूँ, मतलब अपनी लाइनें जो बोलती हूँ वो तो अलग है, बाकी जो टर्म्स यूज़ करती हूँ मेडिकल टर्म्स बड़े इंटरेस्टिंग है। मेरी मम्मी आ जाएँ और बहुत पापा भी आएँ, बहुत खुश होंगे, देखो बेटी मेडिकल तो कर नहीं पाई, डॉक्टर बन नहीं पाई, तो कम से कम टीवी में ही डॉक्टर बन ली, सो आई थिंक दे गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्राउड। पहले आप मुझे बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो उसके बाद हम बात करेंगे। अच्छी बात से सुनना चाहती हूँ, मेरे हेयर कट के बारे में बताइए, मेरे शॉर्ट हेयर लुक के बारे में कुछ तो बताइए, बोलिए कैसी लग रही हूँ मैं। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू हियर, आई हैव गॉन शॉर्ट विद द हेयर स्टाइल। मैं थोड़ी कॉन्फिडेंट नहीं थी क्योंकि जो पिछला शो कर रही थी उसमें लंबे बाल थे, टिपिकल बहू थी, टिपिकल तो खैर नहीं थी बट समथिंग डिफरेंट, लाइक अ गर्ल नेक्स्ट डोर कैरेक्टर है शानी का, बाल छोटे हैं, बड़ी स्टाइलिश कपड़े पहनती है। बाय द वे ये शानी का लुक है, दिस नॉट सुरभि चांदना, दिस इज शानी, सो शी इज़ अ वेरी स्टाइलिश डॉक्टर एंड आई थिंक मैं इंस्पायर भी करना चाहूँगी कि हमें देख के डॉक्टर्स अच्छे कपड़े पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप अच्छे दिख सकते हैं ऐसे कपड़े पहन के, सो दैट्स द आइडिया। मैं सारी पढ़ाइयाँ सेट पे करती हूँ, घर पे जाने का वक्त मिलता नहीं है, तो जो जो टर्म्स हैं बाटनोलिसिस, EPI दो, सलाइन चढ़ाओ और भी बहुत सारी चीज़ें, तो सब सेट पे ही होती है। हमारे डायरेक्टर अभिजीत दास बहुत बहुत ही हिस्सो ट्रेन, तो हमें सब सिखाते हैं वो, यू नो डायरेक्टर होके भी उन्हें मेडिकल की इतनी नॉलेज है मेडिकल फील्ड की, सो आई थिंक यू नो थिंग्स आर वेरी इजी। सिद्धार्थ मेड मी वेरी वेरी कम्फर्टेबल, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी ऑफ कोर्स, एंड टू बी एसोसिएटेड विद सच अ बिग नेम इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ। प्रेशर है, काफ़ी है, इसलिए मैं आज बस वेट कर रही हूँ कि सबके रिव्यूज़ कैसे हैं, आप लोग भी देखिएगा मुझे बताइएगा। आई एम क्वाइट नर्वस वेरी ऑनेस्टली, एक्साइटेड तो मैं हुई हूँ, नर्वस ज़्यादा हूँ, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि क्या होने वाला है। यार वो ना बड़ा मतलब वो गलत काम करने में बिलीव करता है, बट ऑफकोर्स जो उसकी अप्रोच है वो भले ही गलत काम करता है लेकिन उसकी उसका जो आइडिया है वो गलत नहीं है, इन द सेंसेस पैसे इधर की उधर करेगा लेकिन उसके पीछे जो मुद्दा होगा या मोटिव होगा वो अच्छा मोटिव होता है। बट ये लड़की हमेशा उसको तभी पकड़ती है जब वो गलत काम कर रहा होता है, ये नहीं कि जब वो अच्छा कर रहा होगा, यू नो, सो वो एक प्रॉब्लम है। बट अदर देन दैट इट्स अ वेरी नाइस केमिस्ट्री वी आर ट्राइंग टू क्रिएट, दोनों के आइडियोलॉजीज बहुत अलग हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक जब दो लोग डिफरेंट सोच के होते हैं उनमें केमिस्ट्री बड़ी होती है। हाउ नाइस, बहुत सपोर्टिव हैं यार वो लोग, मतलब मैं कुछ भी करती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, महेश सर सो गुड टू सी यू, मैं कुछ भी करती हूँ उनके फीडबैक हमेशा रहता है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, एंड आई टेक इट वेरी यू नो वेरी सीरियसली। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यू नो ग्रोथ में या एज अ पर्सन इफ आई इवॉल्व इज बिकॉज मैं उनके पॉइंट्स पढ़ती हूँ और मैं उस पर वर्क करने की कोशिश करती हूँ, एंड आई थिंक शायद वो हमारा ना बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है, मैं जो शायद मैं आपके साथ होंगी, मम्मी पापा के साथ होंगी, मेरा उनके साथ वैसा है, तो दैट्स द रीज़न आई थिंक देयर इज इमेंस लव मेरी तरफ से उनके लिए, उनकी तरफ से मेरे लिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो 14 साल के बाद संजीवनी फिर से आ रहा है, इस बात को लेकर मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ कि यू नो फिर से इस सीरीज़ का हिस्सा बनने जा रही हूँ। इस सीरीज़ ने मुझे बहुत कुछ दिया है, डॉक्टर जूही मेरी पहचान रही है, 14 सालों के बाद भी लोग मुझे इसी नाम से इंडस्ट्री में कहते हैं, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। बदलाव से ये हुआ है कि अब जब हमारे बच्चे हैं उन्हें पता नहीं था कि लोग मेरी हमारी मदर को डॉक्टर जूही क्यों कहते हैं, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है, तो ये देख कर मुझे बहुत खुशी होती है। इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जीवन साथी दिया है जो मेरे साथ है आज,
अब संजीवनी जहाँ ख़त्म हुआ था 14 साल पहले, अब एक नई कहानी शुरू हो रही है। तो कुछ नए डॉक्टर से हम टकराएंगे, नए डॉक्टर से हम दोस्ती करेंगे, तो वो कहानी है। एंड आई एम श्योर ये पहले सीजन की तरह बड़े प्यार से बनाया जा रहा है, आप सबको पसंद आएगा। ये रियल लाइफ डॉक्टर्स हमें फर्स्ट सीज़न पे भी ट्रेन करते थे एंड ऑफ कोर्स सेकंड सीज़न में भी कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स द चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अब तभी इंटरनेट नहीं था। आजकल आप देखेंगे तो हर कोई एक चलता फिरता डॉक्टर है, हर कोई जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इन सब चैलेंजेस को नज़र रखते हुए स्टोरी बहुत केयरफुली लिखी गई है ताकि कोई लूप होल्स ना होए। एंड आई एम श्योर हमारे मेकर्स ने बहुत ध्यान रखा है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सर आप बताइए आपको प्रोमो कैसा लगा? सर मेरे को जब मैंने पहली बार वो विसल सुनी जो टाइटल ट्रैक है संजीवनी की, क्योंकि हम 2002 में ये शो शुरू हुआ था और जब हम अपने घर पहुंचते थे वेंसडे को 8 से 9 बजे आता था, तो सब नेबरहुड में लोग टीवी चलाते थे और हमारी ये ट्यून सुनाई देती थी। सो द फर्स्ट टाइम एक्चुअली आई हर्ड दिस ट्यून आई वाज अ लिटिल ओवरवेल्ड, मैं थोड़ा चोक हो गया, इमोशनल हो गया। और इट्स अ फुल सर्कल ऑफ लाइफ स्पेशली हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से हमने शुरू किया, यहाँ से फैमिली बनी, दो बच्चे हुए और एक और मौका मिल रहा है। आई थिंक बहुत खुशनसीब है कि हमको दोबारा गुरदीप को दोबारा प्ले करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि आजकल जो भी पार्ट टू बन रहे हैं उनमें ज़्यादातर नई कास्ट होती है। बट इट्स अ वेरी हैप्पी सीन। नर्वसनेस की यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है, बिकॉज इतने सालों के बाद आई डोंट थिंक सो आई शुड बी नर्वस अबाउट प्लेइंग डॉक्टर जूही, बट आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड। मुझे इतना सारा प्यार मिल रहा है क्योंकि पहले सोशल मीडिया तो होती नहीं थी, वी यूज टू वेट, और क्योंकि वो मेरा नया शो था आने के बाद मुझे पता चला कि ये कुछ होता है। बट नाउ विद सोशल मीडिया यू गेट इंस्टेंट यू नो अप्रिसिएशन एंड रिएक्शंस व्हिच इज़ लवली, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। प्रोमो बहुत सारे टीजर्स बने हैं, फर्स्ट टीजर से ही पीपल वर लाइक रियली रियली शोइंग अस लॉट ऑफ लव एंड नाउ विद द न्यू प्रोमो यू कैन सी इट्स अ लवली नाइस पेपी ट्यून, वेरी 2019 संजीवनी ट्यून। सिद्धार्थ का शो है, मैंने सिद्धार्थ का हासिल भी किया था, सिद्धार्थ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, इज माई ब्रदर, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर संजीवनी टू एंड आई विश एवरी वन हु इज इन्वॉल्व एंड पार्ट ऑफ संजीवनी टू ऑल द वेरी बेस्ट। जी डॉक्टर जूही, डॉक्टर जूही एंड डॉक्टर अमन, या दे बीन माई फेवरेट एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू नो वी सी गुरदीप अगेन इन संजीवनी टू। सो येस also there's a nice connection of me and Star Plus, so again I'm very very happy, although I'm not part of the show, but I'm very excited and very happy. मैं सबको मैं उनको बेस्ट विशेस देना चाहता हूँ। प्रोमो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है एंड मुझे लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ नेक्स्ट सुपर हिट ऑन स्टार प्लस। थैंक यू। टू का सीज़न तो नहीं है मेरे लिए, तो पहला ही सीज़न है, सो आई फील इट्स समथिंग, इट्स अ फ्रेश स्टार्ट फॉर मी एंड माई करियर एंड पुराने सीजन से कुछ लेता देता नहीं है, जस्ट द नेम एंड द ब्रांड रिकॉल विच आई फील इज़ बीन अ कल्ट शो ऑल दीज ईयर्स एंड आई थिंक it's a great honor and privilege to be a part of it. नहीं मेरे को पहले का शो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज ये जो कैरेक्टर है वो 2019 का है एंड देयर्स अ लॉट ऑफ टुडे इन इट यू नो, एंड जो ओरिजिनल शो था दैट वाज आई मीन 2003, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हाउ वी यूज द मेडिकल टर्म्स एंड द जार्गन, सो द रिसर्च आई वुड से आई थिंक हमारे सेट पे ही डॉक्टर्स आए थे एंड वी डिड अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज टू हाउ टू यूज़ द इंस्ट्रूमेंट्स करेक्टली, और वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके भी आ जाता है, शूट करते करते भी आ जाता है, सो दैट इट डजंट लुक फेक, बिकॉज ऑब्वियसली मेडिकल नॉलेज नहीं है और एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो सेट पे अगर पेशेंट को हम लोग स्टेथोस्कोप लगा के चेक भी कर रहे हैं ना, तो वो असली लगना चाहिए, बस उतना ही है, आई मीन ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया। बहुत बहुत कुछ, आई मीन मुझे तो लगा था कि पल्स सिर्फ यहीं देखते हैं, एक्चुअली मैं 3-4 जगह हैं, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, CPR भी सीख लिया मैंने और आई मीन बेसिक
things when somebody, a patient is on the hospital bed, there are few things that are there which, I mean, visually dikhe hain pehle, but kabhi istemal nahi kiye. To wo sab istemal karna bhi seekh liya ab. Mujhe bhi bahut acha laga promo actually. I mean, it's very, very fresh and different. So, I mean, it came out today. Kafi exciting day raha hai. और आज PVR में मतलब टीवी शो के लिए एक प्रीमियर हो रहा है, which is also a big thing which I'm really excited about and grateful again. Yes. नहीं, personally मैं pressure तो नहीं लूँगा, because ये जो शो है उसमें a lot of people involved. I mean, there's a lot of cast, of course. Behind the scenes, from the writers to the producers to the director to the channel, there are so many people involved. How are you, sir? Kitna seriously, how are you, sir? All the best, sir. So yeah, I mean, personally, main akele pressure to lena, I mean, I don't think uska koi point hai, because it's a team effort, and hum sab ek team ke tarah kaam karke we are trying to do our best and come up with a show that people will like. I mean, again, personally, I think it's been a dream team in a way, because I mean, people like Rohit sir, Mohnish Bahl, Gurdeep Kohli, I mean, these guys are, they've been there for years, I mean, decades in fact, and yeah, wo experience leke aate hai set pe, and it just kind of feels, you know, that comfort zone bahut achhi tarah se aata hai, you know, so and in terms of working, yes, it's a little tough. I mean, TV industry is tough, but मजा आ रहा है, because नई चीजें करने को मिलती हैं, you know, OT scenes and थोड़ा बहुत external outdoor भी है, so it's fun. I mean, I'm enjoying it. मस्ती तो सब करते हैं यार, बचपन से किया है मैंने थोड़ा बहुत, but yeah, I mean, on screen what you see, I would say कुछ traits हैं जो मेरे पास personally भी हैं. But otherwise, it's a very, very, very well-written character. It's again a dream come true for a lot of people, you know, to play like it's a hero on TV, and that itself is a big opportunity. Super, super excited. I'm Jason Tham. I'm playing Dr. Neil. क्या है, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ. बेसिकली मैं पेशेंट को देख के आई कैन से विच प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है उसको और क्या क्या चीज़ें चाहिए होता है जस्ट बाय सीइंग हिम. बट द मोमेंट आई सी ब्लड, मैं फेंट हो जाता हूँ. तो ऐसा एक कैरेक्टर है मेरा, बट ऑब्वियसली आगे जाके ओवरकम हो जाता है वो भी. एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड, बिकॉज आज टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द स्क्रीनिंग एंड कांट वेट टू वॉच इट माई सेल्फ. सी बचपन में ना मेरे डैड ने ऑलरेडी बोला था कि डॉक्टर टाइप का कुछ करना है, और मैं एक्टर बन गया. सो आई गेट टू बी एज अ डॉक्टर ओनली. एंड यस, आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च रिगार्डिंग दिस. IV कैसे लेना है, स्टेटोस्कोप कैसे यूज़ करना है, डिफरेंट ग्लव्स एंड ऑल, हाउ टू बी डिफरेंट मेडिसिन का क्या क्या है और कैसे बोलना है. प्लस वी हैव रियल डॉक्टर्स ऑन बोर्ड, जिनके वजह से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, एंड प्लस दे टेल यू द एक्चुअल वे ऑफ डूइंग इट. एंड सिंस वी आर डॉक्टर ऑब्वियसली, बट हाँ, फिलहाल तो यस, बहुत बहुत सीखने को मिलता है. दे आर ऑब्वियसली सीनियर डॉक्टर्स एंड सीनियर एक्टर्स, जिनके वजह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड आई लव द वे दे इम्प्रूव, ऐसे लगता नहीं कि काम पे आए हैं, वी आर एक्टिंग. इट डज़ नॉट फील लाइक दैट, इट जस्ट फील्स लाइक हर रोज़ ऐसे ही काम हम लोग, यू नो, इट्स लाइक अ जॉब फॉर अस बेसिकली. हर रोज़ हम लोग काम पे आए हैं एंड वी सीइंग देम एवरी डे, सो इट्स लाइक नॉर्मल डे फॉर अस. यस यस यस, या वेल, शांतनु इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डांसर्स there, and even you have Faisal is also really good. Bahut tough competition hai, and mujhe lagta hai ki bahut acha fight denge ek dusre ko. Plus we have
other people also who aren't dancers but have performed really, really well. We have Bindu Dara Singh. Apparently, I got very surprised seeing him dancing so good. But yeah, Faisal and Shantanu, they will give like 19-20 competition. Yeah, they're really good in the show. Thank you so much. Nervous bahut hai yaar. Excited to. Ab wo nervousness mein excitement jo hai wo nazar nahi aa raha hai. Bahut nervousness hai. Ek aise lag raha hai ki bhai aap logon ke samne aapke zariye audience ke samne ye pehla din hai. Aur aise lag raha hai ki pata nahi log accept kar kyunki jo feedback mil rahi hai wo aise lag raha hai ki logon ko log utsuk hain. They're looking forward to this show. To jab ye hota hai to expectations bhi badh jate hain. Aur हमारे पहले जिन्होंने किया था मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया था कि शो अच्छा है तो या नर्वसनेस बहुत है नहीं किरदार तो वही है लेकिन एक 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 इंसान जो है वो जब लगभग 15-20 साल उम्र में बढ़ जाता है तो उसका उसकी जो उसका जो रवैया है उसकी जो सोच है वो कुछ चीज़ों में बदलते हैं कुछ चीज़ों में ही रिमेन्स द सेम या और भी स्टबर्न हो जाते हैं सो यू विल सी शशांक इन दैट सेम एरिया बट यू विल सी अ स्लाइटली डिफरेंट प्रेजेंटेशन ऑफ शशांक दैट्स व्हाट वी हैव ट्राइड नहीं उन्होंने यू सी एक फिजिकल चीज़ें होती हैं छोटी छोटी चीज़ें जैसे स्कैल्पल को ऐसे लेना चाहिए ऐसे नहीं लेना चाहिए या ग्लव्स ऐसे पहनते ऐसे नहीं पहले ये पहनते फिर ये पहनते तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है यू ट्राई एंड बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल हाँ गुरदीप के साथ पहले दिन शूटिंग की तो ऐसे लगा 18 साल गए कहाँ यू नो इट्स अ स्ट्रेंज फीलिंग बिकॉज सडनली एंड जो मैं हम कह रहा हूँ कि बाकी जो हैं अपने नमित और सुरभि और बाकी सब यू नो मेरे लिए ये सब नए हैं बट दे आर परफॉर्मेंसेज आर राइट अप देयर इट्स फैसिनेटिंग हाउ केपेबल देयर इट्स फैंटास्टिक एंड इतने प्रोफेशनल बहुत अच्छी बात है इट्स अ गुड थिंग अच्छी बात है मेरे दोस्त तो इधर है ना कैमरे इधर है मैं एक्टर हूँ मेरा मुंह इस तरफ ही जाते रहेगा कम दिस साइड यू नो आई टोल्ड यू व्हाट हैपेंस इज दैट जब वो साउंड ट्रैक प्ले होता है ना टाइटल ट्रैक देन यू स्टार्ट एक थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होने लगती थी पहले कुछ दिनों में क्योंकि इतना वक्त बीत चुका है सो नाउ अब थोड़ा प्रेजेंट में आ गए हैं और ख़ास करके यहाँ पे आप सबके सामने तो टोटली प्रेजेंट में आ चुके हैं हवा टाइट हो चुकी है देखते क्या होता नहीं क्या है कि वहीं से अगर स्टार्ट करना है तो फिर मुझे कम से कम 10 साल छोटा होना पड़ेगा मुश्किल है तो कुछ 10-12 साल आगे की बात है ये और फिर हम लोग फ्लैशबैक्स में भी जाएंगे अच्छा हुई I love the promo. I think it's so refreshing. और मुझे लगता है इस वक्त हमारे इंडियन टेलीविज़न को एक ऐसे शो की ज़रूरत है जो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास के लिए शोज़ हों और जो वेब को फाइट कर सकें एंड आई वॉज टेलिंग सिद्धार्थ सर ऑल्सो दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट बिकॉज टी वी नीड्स टू फाइट बैक विद ग्रेट शोज एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट शो दैट्स कम बैक ऑन टी वी I'll be very honest, I haven't seen too much of the first season, main sach bata raha hu, because I think I was also pretty young that time. But all I know is, jo maine iska promo dekha tha, I think it's so, mane usme quality mein itni, there's such a brightness in it, it's got nice colors, the actors are good. Mohnish Bahl ko to dekh ke maine kaha, like show is going to be fantastic, because you've got such a good actor on board. So I think it's amazing and I hope jitne logo ko Sanjivani 1 acha laga tha, they're going to love this even more and the new audiences get to see it. So what are you looking forward to today? Today's screening, I'm looking forward to that girl there who's called me and who's my dear friend and who I love a lot. So I'm going to wish Surbhi all the best because I think she's phenomenal and she's coming on a second big show. Jo bhi show karti hai, it does very well.
हाँ सुनने में आया भाई. देखिए भाई, आई बीन अ पार्ट ऑफ YHM और ये है मोहब्बतें. आई थिंक ऑनेस्टली इज बिन इन द लास्ट 5 years इंडियाज बिगेस्ट पाथ ब्रेकिंग शो. आई वॉज अ सेकेंड लीड. आई डिड इट फॉर 3 years. उसके बाद मैं घूमने चला गया. अभी जो बंद हो रहा है, आई डोंट नो कि मुझे सच बोलना चाहिए कि मुझे डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना चाहिए. आई थिंक फॉर द फर्स्ट 3 years उन्होंने एक स्टोरी बहुत स्ट्रांगली फॉलो की थी. उस शो की गड़बड़ हुई जब चैनल ने बोला कि आप मंडे से थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कर दीजिए. अभी अगर आप क्रिएटिव टीम, एक्टर्स, डायरेक्टर्स को बोलोगे कि चाइना की तरह 7 दिन आप एक शो करो, वेयर इज़ द स्टोरी लाइन गोइंग टू गो? किसी को तो टाइम चाहिए स्टोरी लिखने के लिए, एक्टर्स को शूट करने के लिए. तो मेरे मुताबिक जब वो एक फेज़ आया था 3 साल के बाद कि उन्होंने YHM को 7 दिन बना दिया था, आई थिंक वो शो का एक बहुत गड़बड़ हो गई थी. बिकॉज नोबडी गॉट अ ब्रीदर टू गिव द शो. आई थिंक मंडे टू थर्सडे इज़ फाइन, मंडे टू फ्राइडे कैन डू अ मंडे टू संडे एवरी वीक फॉर 2 years. इट बिकम्स एंड इफ इट्स गोइंग ऑफ एयर, आई एम वेरी प्राउड बिकॉज आई थिंक इंडिया में पहली बार एक एजुकेटेड शो आया था बेस्ड ऑन अ बुक. And we were all a part of it. Kisi ne socha nahi tha that show will be so successful. It will be remembered 5 years down the line. So yeah, this one. Oh, that one. Sorry. You're asking me questions. Come this side. So yeah, but YHM going off air is very sad. But those first 3 years were amazing of the show. It was an amazing show. The audiences loved it. It had a lot of value system on it. It was educated. Hum log office jaate the, ties pehnte the. The lines were very good and it dealt with children. I want to do the next show as playing a young father. Anybody casting, let me know. Yaar, ye mujhe ek minute sunne mein aaya, Karan Patel is not in the show. So how is YHM then? Patel aur Divyanka ke bina, I don't know, but well, I guess then it's the fag end of the show and we have to kiss it goodbye. Patel khatro ke khiladi Big Boss mein bhi aa jayega, but that is different. But he's left the show. I haven't watched YHM in 2 years. देखिए, फेवरेट कैरेक्टर की बात हो तो ऑफकोर्स डॉक्टर शशांक, और मैं पहले भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन था एज एन एक्टर एंड एज अ कैरेक्टर ऑल्सो. तो आज भी मैं मोनीश सर को देखने के लिए उतना ही एक्साइटेड हूँ एंड आई एम सो ग्लैड ही इज़ बैक. बेस्ट विशेज़ तो एक ही तरह की होती हैं, वो क्या पता नहीं क्या होती हैं, पर मेरी बेस्ट विशेज़ हैं. मुझे ऐसा लगता है ये डॉक्टर्स का साल है क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर प्ले करता हूँ. मुझे ये गुड लक मिला है कि मैं अपने शो पे भी एक सर्जन प्ले कर सकूँ और अब डॉक्टर्स को लेके एक पूरा शो आ रहा है. तो यस, इट्स अ ईयर ऑफ डॉक्टर्स, इट्स अ ईयर ऑफ मेडिकल अवेयरनेस. जी, मैंने पेशेंस सीखा है और मैंने एक बहुत अहम चीज़ सीखी है डॉक्टर्स को ऑब्ज़र्व करके. जितना भी मैंने अपने रोल के लिए ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो, आपका इमोशन कोई भी हो, आपको जो काम करना है वो न्यूट्रली, कामली और अनबायस्डली करना है. जी, सुरभि और नमित ने मुझे पूछा ही नहीं कुछ, पर आई डोंट थिंक सुरभि और नमित को कोई भी सजेशन की ज़रूरत है. वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं एंड दे हैव माय बेस्ट विशेस. जितनी एक्साइटमेंट मुझे है, मुझे लगता है बाकी सबके एक्साइटमेंट इक्वली वैसे ही है. इट्स बिकॉज इट्स बीन सच अ नाइस शो. 14 इयर्स बैक इट वाज बीन अ हिट एंड आई एम श्योर वी आर कमिंग आउट, कमिंग बैक विद द सेम एक्साइटमेंट, विद द सेम बेस्ट रिजल्ट एंड आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू गेट ग्लूड विद द शो वंस अगेन. Yeah, I'm playing Sister Philo. She's a very important role where she's been performing last year. Jo show tha usme Daisy ji ne kiya tha. So same role I'm performing this time, Sanjivani 2 mein. Aur wo character senior most character hai where even Mohnish ji hai aur Juhi ji aur jitne senior doctors hain, they all look upon Nurse Philo. And she has got a saying to it, you know, to, and that's how her character is very important. Thank you.